अब क्या आदि? अब हम तेरी फेवरेट फिल्म देखेंगे। विवाह? तेरी फेवरेट फिल्म तेरी बर्थडे पे तू और मैं एक साथ। जाने क्या वो कह गई। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे। उस पर जान लेवा ये तन्हाई सजनी। जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते। आज सोचता हूं कि यह विवाह की कैसी प्रथा है। जो वो चाहत मुझे सौगात में मिल गई। एक सरप्राइज और बचा है। आंखें बंद कर। नो चीटिंग, ओके? नो चीटिंग। हाँ। टन टन। गिफ्ट। मेरे पॉकेट में आदि। थोड़ा इरिटेट करना तो बनता है ना। ओके, हैंड्स अप। वाओ, वेल डन। ये तो बहुत तुझसे ज्यादा कीमती नहीं है। रोज हमें मिल के भी मिलने की आस रहे। रोज मिले प्यास कोई और कोई प्यास रहे। दिल दीवाना पुकारा। प्यार का दर्द है मीठा मीठा। प्यारा प्यारा मीठा मीठा। मॉम का फोन है। हेलो मॉम। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। आई होप यू आर नॉट डिस्टर्बिंग यू। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सबको सब कुछ पता था ना? ऑफ कोर्स पता था। एक मिनट रुको, डैड से ही बात करूं। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू नाना जी। अवंती का दूसरी कार में थी इसीलिए वीडियो में विश नहीं कर पाई। एक मिनट। Happy birthday! Thank you. Butterfly, कल का पूरा दिन celebration का, हाँ? And I hope मेरे duffer बेटे ने कुछ अच्छा surprise दिया तुम्हें। Yes, Dad. आदि ने मुझे बहुत ही अच्छा surprise दिया। और आप सबने भी तो इतना अच्छा surprise दिया। Wait a second. Dad, thank you so much. Videos are awesome, हाँ? और बनी ने जो सारे arrangements किए ना, thanks to him सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा बताइए कि कायरा कैसी है? How is she coping up with this? Kara, ठीक है। अभी भी थोड़ी से चुप है वो। But don't worry, I guess she'll be all right. वो पीछे दूसरी गाड़ी में आ रही है हमारे साथ। तो फिर कल मिलते हैं। Okay, Dad. Be safe.
आप तैयार हैं तेरे आखिरी सरप्राइज के लिए? क्या तुझे शिरडी जाना था ना मॉम डैड के साथ? अभी नहीं, अगली वादे पे चलेंगे। ऑफ कोर्स अभी यार, सुबह के दर्शन भी हो जाएंगे फिर मॉम डैड के साथ वापस आ जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? ओके एक सेकंड, बर्थडे गर्ल का एक और फोन। दादाजी, हेलो दादाजी, थैंक यू। बेटा थक गई होगी ना तुम, हा? चलो अपने कमरे में, आज मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से सुलाऊंगी। चलो मॉम प्लीज, आई कैन मैनेज। रुबल लती गाओ। अच्छा हुआ रुबल कि तुम लोग भी आ गए। डैड मैंने आज लंच के बाद हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग बुलवाई है और मैं ये चाहता हूं कि इस मीटिंग में हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स भी मौजूद रहे, इंक्लूडिंग पंखुड़ी आदि, हरीश, अवंतिका और प्रीति भी। बट डैड, ऑल ऑफ सडन ये मीटिंग किस लिए? रुबल तुम इस मीटिंग को अटेंड करो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग तो दीवान मेंशन में ही रखी होगी ना? यार राइट, और ठीक है मैं अटेंड कर लूंगा, प्रीति भी अटेंड कर लेगी। ओके। और तुम दोनों इतनी जल्दी पहुंच गए, आई एम श्योर आदि ने फास्ट ड्राइविंग की होगी। बहुत, मैंने मना भी किया था। अरे थोड़ा फास्ट क्या ड्राइव कर लिया, आप लोग ना बात का इशू बना देते हो। अरे आदि क्यों करना, इट्स सो डेंजरस। नितिन कुमार, अरे मिस्टर बंसल आइए। एक्चुअली वो अपनी जो बिल्डिंग है ना वो रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, इसीलिए आज खास मीटिंग रखी है। अरे पर ये रीडेवलपमेंट की बात कब चली? वो क्या है ना कि बात तो बहुत पहले से चल रही थी लेकिन आपको समय ही नहीं मिलता था, इसलिए मीटिंग आज रखी है, आप जरूर आइएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके और तेज नहीं चलाऊंगा मैडम, गलती हो गई। वैसे एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह गई। Oh, happy birthday, my butterfly. नहीं पंकुरी, you know I don't believe in these customs. Mom, मैं कस्टम की तरह आपके पैर छू लेती हूँ, आप मुझे बर्थडे गिफ्ट समझ के अलाउ कर दीजिए। वाह, अबे क्या लाइन बोली है, ये तो मैं डेफिनेटली यूज करूंगा यार। जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। हाँ प्लीज, मेरे पैर छूने पर इंसिस्ट मत करना, ओके? नहीं। अच्छा, अभी अभी पता चला है कि हमारी ये जो बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, तो आई थिंक कुछ टाइम के लिए हमें किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ, हम कोई और फ्लैट लेंगे रेंट पर? डैड, एज लॉन्ग एज हम सब साथ में है ना तो कोई टेंशन नहीं। अरे रोमियो, दूसरा अच्छा फ्लैट मिलना इतना आसान है क्या? हाँ पर ढूंढ लेंगे डैड। यार ये बिल्डिंग ना परफेक्ट कंडीशन में, रीडेवलपमेंट करने की जरूरत ही क्या है, ये ना सिर्फ मुंबई में ही होता है। आदि, आज शाम को वो सोसाइटी की मीटिंग है, तुम चल रहे हो ना? हाँ डैड, वो रीडेवलपमेंट का प्लान फाइनलाइज हो गया क्या? हाँ ऑलमोस्ट। डैम, आई मीन यार वो पूरा सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा ना तो। लेकिन आदि आप ये भी तो सोचिए ना, जब एक साल बाद हम वापस आएंगे तो हमें एक आर्किटेक्चरली बेटर और एडवांस फ्लैट मिलेगा। करेक्ट, ये बोली ना मिस आर्किटेक्चर। तुझे ना हर बात को पॉजिटिव एंगल से देखने की आदत है, लेकिन हेलो इतना सारा शिफ्टिंग का काम कौन करेगा? क्यों, आप है ना, आप करेंगे। तो सारा काम मैं करूंगा और तू? मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगी और प्लानिंग करूंगी, अब नए घर के इंटीरियर्स हमें एकदम नए करने होंगे तो वो सब मुझे तो देखना पड़ेगा। नहीं हेलो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ
दिस इज अ सीरियस डिस्कशन. आई मीन शिफ्टिंग करना बहुत भारी काम होता है यार. कभी तो डैड इस काम को हम हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं. भैया आज पंखुड़ी का जन्मदिन है और हमारा घर कितना सूना सूना सा लग रहा है. नहीं तो हर साल इस घर में क्या रौनक हुआ करती थी ना. मैं ना एक बात तो है तुम लेडीज लोगों की, इतने सालों तक अपने लोगों के साथ रहते हो और उसके बाद अचानक एक ही दिन अपने लोगों को छोड़कर नए लोगों के साथ जाकर जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हो. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोवर्धन भाई साहब, लेकिन हमारी पंखुड़ी का ससुराल कुछ ऐसा है कि उसे तो हमारी कमी महसूस ही नहीं होती होगी. तो आप कल की बात ले लीजिए, देखा नहीं आदित्य जी ने कितना अच्छा सरप्राइज दिया. हाँ भैया ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बिना हमारे गए ही आदित्य जी ने हमें पंखुड़ी तक पहुंचा दिया. अरे भाई कोई कैमरा लेके आओ भाई, ऐसा नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता है. सास और बहू दोनों एक साथ आंसू टपका रहे. वाह वाह. कैन नॉट स्टॉप इट. अरे अरे मॉम, हम तो आप दोनों के बॉन्ड को अप्रिशिएट कर रहे हैं. या तो हमें काम करने दो, आप खुद करो. हाँ और अगर इतना ही है तो तुम दोनों क्यों नहीं दिखाते कि तुम कितनी आसानी से ये प्याज काट सकते हो. अरे एक किलो प्याज काट देंगे, एक आंसू नहीं टपकेगा. हाँ शो मी देन. ऐसे थोड़ी शर्त वर्त लगाओ, चैलेंज. ओके किस बात की शर्त लगी. शर्त आदि कम टू मी. कुछ नहीं होने वाला इससे. ऑफ कोर्स कर पाएंगे. और शर्त इस बात की लगाते हैं कि अगर हम जीत गए ना तो तुम आदि और पंखुड़ी के सामने मुझे आई लव यू कहोगे. वैसे तो तुम ये शर्त हारने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं मान लेती हूँ. जल्दी हम होने आए. क्यों क्या हुआ. अरे अरे बस वही रहो. कुछ नहीं आने वाले, हमें ही करना होगा. चलो हटो प्लीज. एक्सक्यूज मी. अनियन कटिंग शुरू करते हैं. नो प्रॉब्लम. देखिए क्या कर रहा है. आंसू रोक. क्या हुआ, आंसू आए. नहीं नहीं आंसू नहीं है, एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए. शाबाश मेरे शेर. ये क्या है. ये तो पसीना है. शायद दोनों आंखों से पसीना निकल रहा है. ये फैक्ट है कि सिर्फ औरतें ही किचन संभाल सकती हैं, समझे दोनों. ओके बाबा. और वैसे भी तुम दोनों ये शर्त तो हार चुके हो, लेकिन फिर भी आदि तुम्हारे डैड के लिए मैं तुम दोनों के सामने उन्हें आई लव यू बोल सकती हूँ. आई लव यू. ये हाँ अनुज भैया. अवंतिका मैंने आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रखी है, तुम्हें आदि हरीश और पंखुड़ी को भी आना है. आज बोर्ड मीटिंग सडनली, कुछ बात है क्या भैया. यार डोंट वरी, बस बी देयर ऑन टाइम. बाय. ओके अरे चलो जल्दी.
सबके सब बाहर आ गए होंगे। रूबल कहाँ है? सासू जी वो बस 5 मिनट में आ रहे हैं। क्या किस्मत है मेरे दोनों बच्चों की, दोनों की जिंदगी खराब हो गई। बस अब तसल्ली तो सिर्फ इस बात की है कि रूबल अभी तक तुम्हारे पूरी तरह से कहे में नहीं आया है। बेचारी सासू जी, आपको क्या पता कि आपका बेटा अब पूरी तरह से मेरे काबू में है। फोन आया। फोन है? तुम लोग बात करो, we'll see you inside, okay? Okay. हेलो माँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। एक सेकंड दीदी, हैप्पी बर्थडे पंकुरी। थैंक यू चाची। पता है तुम्हें, हम भी तुम्हारा यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा तुम होल्ड पे रहना, अभी हम तुम्हारा केक काटेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday dear Pankuni. Happy birthday to you. केक तो कट गया बेटा, लेकिन अभी तुझे खिलाऊंगी कैसे? आज पहली बार तेरे जन्मदिन पर तू हमारे साथ नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा पंकुड़ी बेटा, मैं तुम्हें रात में फोन करती हूँ। बाय। पंकुड़ी, इसमें एम्बैरेस होने की क्या बात है यार? जिन लोगों के साथ उन्हें इतने साल बिताए, जिन लोगों के साथ उन्हें अपना हर बर्थडे बनाया, उन लोगों से दूर होकर थोड़ा बुरा तो लगेगा। आई मीन इट्स नॉर्मल इमोशनल होना यार। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो बिल्कुल ऐसा ही फील करता। टेंशन मत ले, ओके? कम, लेट्स गो। सो Are you ready? नीचे तो सब लोग आ गए। Relax लतिका, ये मेरे कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरे बिना ये मीटिंग शुरू नहीं होगी। Of course. लेकिन डैडी जी ने अचानक ये मीटिंग क्यों बुलवाई है? इसका कुछ मेंशन किया था क्या ऑफिस में? No. डैडी कुछ मेंशन तो नहीं किया, but I'm sure अब वो भी समझ गए कि अब हमें कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे। जो भी होगा आई एम श्योर मेरे फेवर में ही होगा। दैट वाज राइट, अब सही डिसीजंस लेने का टाइम आ गया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।